नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जनपद चित्रकूट के जिला कार्य समिति सदस्य युवा समाज सेवी घनश्याम सिंह पटेल के नेतृत्व में शिवरामपुर कस्बे में लाना बाबा तिराहा अंतर्गत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार पैदल, बस, ऑटो, टेम्पो के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए पलायन करते हुए आ रहे थे, ऐसे में लोगों को आज शिवरामपुर तिराहे पर अपने युवा साथियों की टोली संग पूरी, सब्जी, पानी, पाउच आदि के 1000 पैकेट का वितरण करवाया गया। पेश है चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की खास रिपोर्ट। हमने जब से वैश्विक महामारी का जो है वो अपने देश के अंदर आया और अपने देश के अंदर जब लॉकडाउन का अपने देश के सभी प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, लगातार हमारी ये पूरी टीम युवाओं को मैंने एक गठित किया। अगर हमारे बहनों की एक टीम है, इसके लगातार हम लोगों ने अपने शिवामपुर के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, कई गांव के जा करके वहां पर हम लोग अपने दोस्तों के साथ गए और वहां पर दिव्यांगजनों की, असहाय लोगों की सूची तैयार किया और जो अति दुर्बल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका सच में कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की हमने सूची तैयार किया और टीम के माध्यम से समाज का सहयोग लेकर के हमने राशन किट भी तैयार किया और गांव-गांव जाकर के राशन किट का वितरण किया। आज क्या क्या कर रहे हैं? आज जो हम लोगों ने जो है हम लोगों की टीम में एक योजना बनी थी, जो है लगातार लोग फायदा ला रहे हैं, प्रवासी बसों से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, कई लोग बेचारे भूखे हैं, कहीं पर होटल रेस्टोरेंट खुले हुए नहीं हैं, दुकानें बंद हैं, तो भूख और प्यास से काफ़ी लोग परेशान हैं, इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने अपनी टीम से सहयोग लेकर के आज हमने इस भव्य भंडारे का जो आयोजन अपने मित्रों के सहयोग से किया है, इसमें केला, बूंदी, मूली, सब्जी, पानी आदि करके लगातार वाहनों को रोका करके उनको देने का काम कर रहे हैं।